गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, हम लोग टेरिडोफाइट शुरू कर चुके थे और टेरिडोफाइट्स में मैंने जनरल कैरेक्टर्स और स्टीलर जो स्टील्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील्स हैं वो आपको करा दिया था। उसके बाद मैंने आपको साइलोटम भी कंप्लीट करवा दिया था। अब हम सेकेंड जीनस पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा का, वो है सेलाजिनेला। ओके, सेलाजिनेला आज हम पढ़ते हैं। सब डिवीजन है लाइकोक्सीडा, ऑर्डर है सेलाजिनेल्स, फैमिली है सेलाजिनेशी। इस सेलाजिनेला के अबाउट 700 प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती हैं। कॉस्मोपॉलिटन इन हैबिटेट है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है ये पूरे विश्व में पाया जाता है। मैक्सिमम जो प्रजातियां हैं वो डैम्प एंड शेडेड फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। इंडिया में इसकी 70 प्रजातियां पाई जाती हैं सेलाजिनेला की। उन 70 स्पीशीज़ में जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है, सेलाजिनेला रुबेस्ट्रिस, सेलाजिनेला क्राउसियाना, सेलाजिनेला मोनोस्पोरा, सेलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस। ठीक है, ये इंडियन स्पीशीज है, रुबेस्ट्रिस, क्राउसियाना, मोनोस्पोरा और ब्रायोप्टेरिस, ये सेलाजिनेला की इंडियन प्रजातियां हैं। तो ज़्यादातर प्रजातियां मैंने आपको बताया डैम्प और शेडेड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत नमी रहती है, जहाँ छाया रहती है वहाँ पर पाई जाती है। लेकिन कुछ प्रजातियाँ सेलाजिनेला की ज़ीरोफिटिक भी होती हैं, जो एकदम एक्सपोज चट्टानों के ऊपर ग्रो करती हैं, जो बिल्कुल धूप में खुली चट्टानें होती हैं उनके ऊपर ग्रो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल रुपेस्ट्रिस डेंसा, रुपेस्ट्रिस जो प्रजाति है वो ज़ीरोफिटिक है, डेंसा भी इसकी ज़ीरोफिटिक है। और कुछ प्रजातियाँ जो हैं वो गार्डन में उगाई जाती हैं, ऑर्नामेंटल होती है, बहुत खूबसूरत होती हैं, तो खूबसूरती की वजह से दे आर ग्रोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन गार्डन्स। ओके, सेलाजिनेला को स्पाइक मॉस और क्लब मॉस के नाम से भी जाना जाता है, स्पाइक मॉस या फिर क्लब मॉस। कुछ प्रजातियाँ सेलाजिनेला की सेस्पिटोज हैबिट की तरह पाई जाती हैं। सेस्पिटोज हैबिट का मतलब है वो कुछ ऐसी प्रजातियाँ होती हैं जिनको सेस्पिटोज हैबिट बोलते हैं। जब वो मतलब गर्मी होती है या सूखा पड़ जाता है तो वो सेलाजिनेला की प्रजातियाँ अपने आप को रोल करके बॉल जैसा बना लेती हैं, बिल्कुल रोल कर लेंगी और बॉल जैसा बन जाएगा। और जब फेवरेबल यानी अनुकूल परिस्थितियाँ होंगी, नमी वापस आ जाएगी, पानी वापस आ जाएगा, तो प्रजातियाँ जो बॉल्स से रोल हो गई थी वापस अपने आप को फोल्ड अनफोल्ड करके स्ट्रेट हो जाती हैं। तो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं रिसरक्शन, ये कंडीशन कहलाती है रिसरक्शन। और ऐसे प्लांट्स की हैबिट कहलाती है सेस्पिटोज हैबिट। एग्जाम्पल है सेलाजिनेला लैपिडोफाइला, सेलाजिनेला पिलीफेरा, ये दो प्रजातियां सेस्पिटोज हैबिट में पाई जाती हैं। इनको रिसरक्शन कंडीशन भी कहते हैं, जिसमें वो बॉल की तरह रोल हो जाती हैं गर्मियों में और यानी सूखे में, और नॉर्मल कंडीशन आती है तो वापस अपने आप को अनफोल्ड करके बिल्कुल नेचुरल कंडीशन में आ जाती हैं। देखिए, अब मैं आपको सेलाजिनेला का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर समझाती हूँ कि बाहर से देखने में सेलाजिनेला कैसा लगता है। सबसे पहले ये एक ऐसा प्लांट है जिसका स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफिटिक है यानी डिप्लॉइड है, और गैमेटोफाइट इसके ऊपर बनता है और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है। स्पोरोफाइट जो है इसकी जो लंबाई होती है फ्यू सेंटीमीटर से 20 मीटर तक होती है, यानी आप आंखों से आराम से देख सकते हैं कुछ सेंटीमीटर से 20 मीटर तक की इसकी लंबाई होती है स्पोरोफाइट की। जनरली जो स्पोरोफाइट है उसको हम सेलाजिनेला को दो डिफरेंट सब जेनरा में विभाजित करते हैं इस स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर के आधार पर। ये जो स्पोरोफाइट है इसका जो स्ट्रक्चर है उस आधार पे हम सेलाजिनेला को दो सब जेनरा में विभाजित करते हैं। पहले ये बता दूं फिर आपको ये समझाऊंगी। दो सब जेनरा है, होमियोफिलम और हेटरोफिलम। ये आपको दिख रहा है इसे लिख लीजिए, सेलाजिनेला के दो सब जेनरा है होमियोफिलम और हेटरोफिलम। इनमें अंतर क्या है, होमियोफिलम में जो जनरा है उसके अंदर लगभग 50 प्रजातियां आती हैं, बाकी सारी किसके अंदर आती है, हेटरोफिलम में, जो सबसे ज्यादा कॉमन है। सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा सब जनरा है, हेटरोफिलम, क्योंकि मैंने आपको बताया 700 स्पीशीज सेलाजिनेला की पाई जाती है जिसमें से केवल 50 स्पीशीज होमियोफिलम है, सब जनरा होमियोफिलम के अंतर्गत आती है। होमियोफिलम में ये जो स्पोरोफाइट है वो इरेक्ट होता है, जैसे ये आपको दिख रहा है ये लेटा हुआ है, ये प्रोस्ट्रेट है। अगर ये सीधा खड़ा होता तो ये कैसा हो जाता, इरेक्ट।
तो होमियोफिलम में वो सेलेजिनेला की प्रजातियां आती है जो कि इरेक्ट होती है, सीधी खड़ी हुई होती है और उनकी सारी पत्तियां एक जैसी होती है, सारी पत्तियों की शेप एक जैसी होती है, सारी पत्तियां, ये स्टेम है तो इसके तरफ स्पाइरली अरेंज रहती है, ऐसे एक दो तीन चार ऐसे स्पाइरल अरेंज रहेंगी, इस तरीके से स्पाइरल अरेंजमेंट रहता है होमियोफिलम प्रजातियों के अंदर। दूसरा सब जेनरा है हेटरोफिलम। हेटरोफिलम में जो स्पोरोफाइट होता है वो प्रोस्ट्रेट होता है, यानी ऐसा लेटा हुआ है, ये प्रोस्ट्रेट स्पोरोफाइट है और इसके अंदर सारी पत्तियां एक जैसी नहीं होती है। होमियोफिलम में सारी पत्तियां आइसोफिलस है यानी एक जैसी है, हेटरोफिलम में सारी पत्तियां हेटरोफिलस है यानी पत्तियां सेम नहीं है। सेम नहीं है हमें बताते, जैसे ये तना है, तना में ये है साइड में डॉर्सल सरफेस, ये पीछे का क्या हो गया वेंट्रल सरफेस। ये जो डॉर्सल सरफेस है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डॉर्सल सरफेस की जो लीव्स है वो छोटी होती है, ये लिखा है दो रो, यहाँ पे दो रो आएंगी लीव्स की, एक रो और दो रो, ये डॉर्सल सरफेस की पत्तियां दोनों रोज की छोटी होंगी और वेंट्रल सरफेस में भी दो रो होती है उसकी पत्तियां बड़ी होती हैं। तो ये किस में पाई जाती है, हेटरोफिलम सब जेनरा में। हेटरोफिलस लीव्स है, लीव्स एक जैसी नहीं है, चार तने में, एक तने में चार लाइनें चल रही है लीव्स की, दो डॉर्सल साइड पे और दो वेंट्रल साइड पे। जो डॉर्सल साइड की लीव्स है वो छोटी है, वेंट्रल साइड की जो लीव्स है वो बड़ी है, इसलिए दो प्रकार की साइज होगी, इसलिए इसको बोलेंगे हेटरोफिलस, इसको बोलते हैं आइसोफिलस, समझ गए। तो ये दो सब जेनरा स्पोरोफाइट के आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे दो सब जेनरा में सेलेजिनेला को विभाजित किया गया है। अब मैं स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर बताती हूँ। स्पोरोफाइट का जो स्ट्रक्चर है ये तीन चीजों में विभाजित है, रूट, स्टेम और लीव। ये रूट, ये जो जल दिख रहे हैं बीच में, ये तना है यानी स्टेम है और बाकी सारी क्या है, ये लीव्स है, ठीक है। तो रूट तो सिंपल है और कहाँ से निकलता है, जहां से ये शाखा निकलती है, जैसे ये जो तना है यहाँ से एक शाखा निकल रही है जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डाइकोटमी, डाइकोटमी जहाँ से ब्रांच निकल रही है, डाइकोटमस यानी दोनों दूसरी ब्रांच निकल रही है, इस पॉइंट से ये रूट निकलता है, ठीक है। सिंगल रूट है ये, कई सारे रूट्स निकल सकते हैं डाइकोटमी से। तो ये रूट एब्जॉर्प्शन का एंकरेज का काम करता है और एब्जॉर्प्शन का काम करता है। रूट के अलावा एक और वर्टिकल लीफलेस रूट जैसा ही स्ट्रक्चर और निकलता है जिसको बोलते हैं राइजोफोर, इसको कहते हैं राइजोफोर। ये भी पॉइंट ऑफ डाइकोटमी जहाँ से शाखाएं निकल रही उसी जगह से निकलता है और इसके एंड में एकदम सिरे पे बहुत सारे पतले पतले एडवेंटिशियस रूट्स निकल आते हैं। राइजोफोर और रूट्स में यही फर्क है कि राइजोफोर के एंड से एडवेंटिशियस रूट भी निकल आते हैं और कई बार कुछ विशेष परिस्थितियों में ये राइजोफोर पे पत्तियां भी उग आती हैं जो कि रूट्स में कभी भी नहीं उगती है। तो तीन वैसे जनरल तीन पार्ट्स हैं सेलेजिनेला के, रूट, स्टेम और लीव्स। राइजोफोर मैंने अलग से बताया है इसमें। अब आता है ये तना। ये तना होमियोफिलम में तो सीधा खड़ा रहता है, फिर शाखाएं निकलती है, और हेटरोफिलम में ये प्रोस्ट्रेट रहता है और इसमें बहुत सारी शाखाएं निकली हुई हैं, ठीक है। फिर आती है लीव्स। अब हेटरोफिलम में मैंने आपको बताया था लीव्स कैसे होती है, दो डॉर्सल रो पे जा रही है और दो वेंट्रल रो पे जा रही है, आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी देखने में। और ये जो लीव्स है डॉर्सल वाली छोटी होती है और वेंट्रल वाली थोड़ी सी बड़ी होती है। सारी लीव्स चाहे वो हेटरोफिलम हो चाहे होमियोफिलम हो बहुत छोटी साइज की होती हैं, सिंपल होती हैं, शेप ओवेट भी होती है और लैंसियोलेट भी होती है इनकी शेप जो है। लीव्स आर माइक्रोफिलस यानी साइज में बहुत छोटी होती है और पतली होती है, डेलिकेट होती है, एक सिंगल मिडरिब होती है उसके अंदर। मैंने आपको बताया कुछ सेलेजिनेला की प्रजातियाँ जीरोफिटिक होती हैं, तो जीरोफिटिक प्रजातियों की पत्तियाँ थोड़ी सी थिक हो जाती हैं। जीरोफिटिक जो मरुद्भिद पादप है या प्रजातियाँ हैं सेलेजिनेला की, उनकी पत्तियाँ थोड़ी सी मोटी हो जाती हैं, अदरवाइज नॉर्मली पत्तियाँ कैसी होती हैं, बहुत ही नाजुक होती हैं, सॉफ्ट होती हैं और बहुत पतली होती हैं, सिंपल है, ओवेट शेप होती है या लैंसुलेट शेप होती है, सेसाइल है। सेसाइल का मतलब है पत्तियों में पीटियोल नहीं है, पत्तियां डायरेक्ट स्टेम से अटैच है, पत्तियों में डंडी नहीं है, पत्तियां डायरेक्ट किससे अटैच है, स्टेम से अटैच है, तो पत्तियां सेसाइल है, ओके। तो ये हुआ इसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है सेलेजिनेला का, जिसमें रूट है, स्टेम है और लीफ है,
और कुछ पत्तियों का जिनको बोलते हैं स्पोरोफिल्स, वो झुंड बन जाता है पास पास, जो कि सिरे पे होता है, बिल्कुल स्टेम के सिरे पे ये बना रहा है कोन। इसको कोन भी कहते हैं, इसको स्पाइक भी कहते हैं, इसको स्ट्रोबाइलस भी कहते हैं, तीन नामों से जानते हैं, स्पाइक है या कोन है या स्ट्रोबाइलस है। तो ये जो झुंड दिख रहा है आपको, ये कोन बन रहा है जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और ये पत्तियाँ, ये जो पत्तियाँ हैं, ये पत्तियाँ फोलिएज लीव्स हैं और ये पत्तियाँ कहलाती हैं स्पोरोफिल्स, क्योंकि इसके अंदर जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं स्पोरोफिल्स। स्पोर्स को अपने अंदर रखने वाली पत्तियाँ कहलाती हैं स्पोरोफिल्स। ओके, अब ये जो प्रत्येक पत्ती है, ये आप देखिए यहाँ पे मैंने बनाई है, ये शेप क्या है, ओवेट या लैंसुलेट शेप है, एक सिंगल मिडरिब है, मार्जिन पे थोड़ा सा कटाव है और बेस पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, लिग्यूल कहते हैं। ये जो बेस पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो कि सेलेजिनेला का खासियत है कि इसकी पत्ती के बेस पे एक और छोटी सी पत्ती नुमा संरचना दिखती है जिसको कहते हैं लिग्यूल। अब ये लिग्यूल का भी स्ट्रक्चर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि ये लिग्यूल कैसा होता है, ये संरचना कैसी दिखती। हाँ, अब ये देखिए आपको मैं ये लीफ का लिग्यूल जो मैंने बताया था, एक टंग जैसा, जीभ जैसी संरचना जो है, ये अलग से निकली रहती है हर पत्ती के अंदर, हर इवन स्पोरोफिल्स में भी पाई जाती है, इसको लिग्यूल कहते हैं। और इस लिग्यूल में ये जो ऊपर का जो पोर्शन है, ये केवल इसकी मोटाई एक कोशिका की है, नीचे वाला जो बेस है, जो फुट है, इसका आधार है, वो सेमी हेमिस्फेरिकल है, इसको ग्लॉसोपोडियम कहते हैं। इसकी कोशिकाएं बहुत पतली भित्ति की होती है और उसमें बहुत सारी रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स पाई जाती हैं। ये ग्लॉसोपोडियम है जो बेस का स्ट्रक्चर होता है इस लिग्यूल का, और इस पत्ती के अंदर एक गड्ढे में धंसा रहता है, ये जो गड्ढा मैंने मोटा दिखाया, ये एक पिट है, गड्ढा है जिसके अंदर ये फिट रहता है, इसको बोलते हैं लिग्यूलर पिट। लिग्यूलर पिट के अंदर ये लिग्यूल फिट रहता है और इसका बेस का पोर्शन ग्लॉसोपोडियम कहलाता है, जिसकी कोशिकाएं पतली भित्ति की और बहुत सारी रिक्तिकाएं वैक्यूलेटेड होती हैं। ऊपर का जो पोर्शन है, ये एक कोशिका की मोटाई का होता है। ये लिग्यूल हर पत्ती की बेस पे पाया जाता है। अब इसका काम क्या है, कई लोग कहते हैं कि ये वाटर एब्जॉर्प्शन करता है, ये लिग्यूल हेल्प करता है पानी के एब्जॉर्प्शन में और शूट को, तने को, पत्तियों को सूखने नहीं देता है, ये पर्याप्त मात्रा में पानी को एब्जॉर्ब करता रहता है। कई साइंटिस्ट कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को ऊपर तक पहुंचाता है, मदद करता है एब्जॉर्प्शन में, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स के एब्जॉर्प्शन में ये मदद करता है। तो ये हुआ कंप्लीट सेलेजिनेला का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसका पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, पत्ती अंदर से कैसे दिखती है, तने का हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो तना कैसा नजर आता है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।